1983 में एक फिल्म आई थी किसी से ना कहना। 2018 में फैक्ट चेक करने वाले पत्रकार जुबैर ने उसकी फोटो का इस्तेमाल करते हुए एक कटाक्ष किया। 2022 में एक गुमनाम ट्विटर हैंडल ने दिल्ली पुलिस को टैग कर दिया और दिल्ली पुलिस ने तत्काल पत्रकार जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। समझ रहे हो आप? सोशल मीडिया के आधार पर 1900 FIR दर्ज कर ली। फिल्म के सीन में हनीमून होटल का नाम बदलकर हनुमान होटल होना दिखाया गया है। जितनी तत्परता से कार्रवाई हुई है वो बताती है कि जुबैर को सिर्फ इस फोटो के लिए ही गिरफ्तार नहीं किया गया है, इसके पीछे की कहानी कुछ और है। कहीं और की आग बुझाने के लिए कानून ने इतनी धाराएं खोल दी हैं। जुबैर ऑल्ट न्यूज की वेबसाइट चलाते थे जिस पर वो सारे एजेंडाधारियों के, सारे कट्टरपंथियों के, सारे विषधारियों के साथ चेक करके समाज के सामने सत्य परोस देते थे। क्या झूठ है, क्या सही है, वो ये बताते थे। फर्जी पूंगा पांडा धर्म संसद वालों को भी ये अखरता था। वो बेचारे बड़ी मेहनत से हिंदुओं को खतरे में होने का आभास दिलाते थे और जुबैर उनके आग लगा हुए एजेंडे पर तुरंत पानी डाल देते थे। जुबैर के कारण कई ढोंगी बाबाओं को जेल यात्रा तक करनी पड़ी। अखंड भारत के भीतर असंख्य पत्रकारों के बीच एक मुस्लिम पत्रकार आग लगाओ फर्जी हीन मानसिकता के बाबाओं को चुनौती दे रहा था। उनकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और ऊपर से नूपुर शर्मा वाला मामला लाइमलाइट में लाकर जुबैर ने सीधी दुश्मनी मोल ले ली थी, वरना बीजेपी के नेता भरी संसद के भीतर, भरे संसद भवन में हमारे पूज्य ईष्ट विष्णु भगवान को विस्की में पहले ही बसा चुके थे। परम पूज्य ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले भगवान हनुमान को ठर्रे का शौकीन बता चुके थे। किसी के मुंह से थूक तक नहीं निकला था। क्यों, संसद भगवान से बड़ा होता है क्या? नहीं ना, संसद के भीतर खड़े होकर कोई कुछ भी बोल सकता है क्या? सांसद या नेता को भगवान का अपमान करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? ये सरासर गलत है। विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिन में माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। सिर्फ ये नहीं है, भारत में कानून अंधा है, नेताओं के इशारे पर नाचता है। ये अंधा कानून है, ये साथी है चोरों का। भारत में कानून पावरफुल लोगों की कठपुतली है, ये तो आप समझते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जुबैर की गिरफ्तारी भगवान के अपमान के आरोप में हो सकती है तो बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल की क्यों नहीं? बहुत लोगों ने ट्विटर पर ट्वीट किया था, भारत वर्ष की किसी भी राज्य की पुलिस की हिम्मत क्यों नहीं हुई? यूपी के डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा जी ने माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी तक कह दिया था, लेकिन किसी के जुबान से थूक तक नहीं निकला। ट्विटर पर बहुत बवाल हुआ था, किसी पुलिस वाले का, किसी थाने का, किसी कोतवाली का रजिस्टर तक नहीं खुला। यूपी के मुख्यमंत्री ने भी हनुमान जी को दलित कहा था। देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि भारत वो लोकतांत्रिक देश है जहाँ कानून सत्ताओं की कठपुतली के अलावा और कुछ नहीं है। अगर कोई पुलिस वाला मेरा वीडियो देख रहा है ना, तो क्या वो अपने दिल पर हाथ रखकर ये कह सकता है कि प्रज्ञा मिश्रा आप बिल्कुल गलत कह रही है, हम लोग स्वतंत्रता से अपना काम करते रहते हैं। कह दीजिए कि मैं गलत कह रही हूँ। जिसकी सरकार आती है सबसे पहले वो पार्टी पुलिस को अपना पिछलग्गू बना लेती है, कानून को अपनी जेब पे रख लेती है।